हेलो फ्रेंड्स, चिकित्सा किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नान खटाई बनाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया नान खटाई बनके तैयार हुई है, परफेक्टली, बिल्कुल ही बाजार जैसी। इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी ऐसे ही बनेगी। फ्रेंड्स, रेसिपी देखने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करना। ये माइक्रोवेव प्रूफ बेकिंग ट्रे है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है और बटर पेपर के ऊपर मैं थोड़ा घी स्प्रेड करूंगी। नान खटाई बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी यहाँ देसी घी लिया है और आधी कटोरी से थोड़ी ज्यादा पीसी हुई चीनी ली है। अब एक बड़े बाउल में इसे ट्रांसफर कर लूंगी। घी हमें पिघला हुआ नहीं चाहिए, इस तरह का घी लेना है। बेकरी की रेसिपी बनाने के लिए कोई भी मटेरियल फ्रिज से निकाला हुआ तुरंत मत लेना, तुरंत नहीं ले सकते। अब चीनी डालूंगी। अगर आप मैदा या कोई और भी पाउडर फ्रीज में रखते हैं तो इसे पहले बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पर आने दें, इसके बाद ही यूज करें। अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंट लेंगे विस्कर की सहायता से। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बीटर हो तो बीटर की सहायता से भी आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए, ये विस्कर की सहायता से करने में 7 से 8 मिनट लग गया है। इसका टेक्सचर आप देखिए, बिल्कुल क्रीम जैसा बन गया है। अब इसके अंदर मैं एक कटोरी मैदा को छान के डालूंगी। छान के डालने से इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। अब इसी कटोरी के नाप से मैंने बेसन लिया है, लेकिन पूरी कटोरी नहीं भरी है, आधी से थोड़ी ज्यादा भरी है। अब इसके अंदर मैं रवा को मिलाऊंगी और 2 कटोरी हो गई, 1 कटोरी मैदा, दूसरी कटोरी में मैंने बेसन और रवा लिया था, बेसन ज्यादा और रवा कम। रवा मैंने 2 छोटी चम्मच जितना ही डाला है। इस तरह से 2 कटोरी भर के हमें आटा लेना है। रवा से क्रंची टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया लगेगा, तो 2 छोटी चम्मच जितना रवा जरूर मिलाइए। अब इसे भी हम छान लेंगे। बेसन में गुठलियाँ होती है तो इसे छानना बहुत ही जरूरी है। अब मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डालूंगी। बेकिंग पाउडर मैंने आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ा कम लिया है, आप देख सकते हैं। इसे भी हम छान लेंगे। अब ये इलायची पाउडर है, थोड़ा मोटा है तो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट इसे इस तरह से डाल दूंगी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैं इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करूंगी और आटा तैयार करूंगी। आटे को हमें ज्यादा गूंथना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है हल्के हाथों से। अगर ज्यादा टाइट आटा गूंथ लेंगे तो नान खटाई सॉफ्ट नहीं बनेगी, तो ध्यान रखें, आटे को गूंथना नहीं है, हल्के हाथ से मिक्स करना है।
देखिए फ्रेंड्स, आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। आटे को मिक्स करने में मैंने पानी और मिल्क का यूज़ बिल्कुल ही नहीं किया है। देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे गोले तैयार करेंगे। गोले तैयार करने के लिए मैंने मेजरमेंट में छोटी स्पून का यूज़ किया है ताकि सारे गोले एक समान बने। जब हम नान खटाई बनाएंगे तो छोटी या बड़ी इस तरह की नहीं बनेंगी, एक समान ही बनेंगी। तो इस तरह का कोई भी स्पून हो, इसकी सहायता से पहले हम ऐसे छोटे छोटे गोले तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे नान खटाई के गोले एक समान बनके तैयार हुए हैं। अब हम इससे जब नान खटाई बनाएंगे तो छोटी बड़ी नहीं बनेंगी, सारी नान खटाई एक समान बनेगी। अब हम गोले को हाथ में लेके इस तरह से लड्डू का शेप देंगे और हथेली से थोड़ा प्रेस करके अंगूठे से थोड़ा प्रेस करेंगे। इस तरह से हम सारी नान खटाई तैयार करेंगे। पहले हम लड्डू का शेप देंगे, इसके बाद हथेली से थोड़ा प्रेस करेंगे, इसके बाद अंगूठे से प्रेस करेंगे और बीच में खड्डा कर लेंगे। नान खटाई को जब आप ट्रे में रखें तो इस तरह से बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रखें ताकि जब ये नान खटाई बेक होगी और फूलेगी तो एक दूसरे से चिपकेगी नहीं। ये पिस्ता है और मैंने इसे बारीक कट कर लिया था, पतले पतले। इसको मैं इस तरह से बीच में रख रही हूँ और अंगूठे से प्रेस कर रही हूँ ताकि जब नान खटाई बेक हो तो पिस्ता निकल ना जाए। सारी नान खटाई के ऊपर मैंने पिस्ता से गार्निशिंग कर दिया है और दूसरी साइड ओवन को भी मैंने 200 डिग्री पे प्री हीट होने रख दिया है। अब मैं इसे कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक होने रखूंगी। फ्रेंड्स, कंपनी वाइज ओवन का तापमान 4 से 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें बेक करें। 10 से 12 मिनट हो जाए तो इसे खोल के एक बार जरूर चेक करें। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गई है, मैंने इसे ओवन से निकाल दी है। इसके ऊपर अच्छे से क्रैक हो गई है, मतलब कि ये अच्छे से बेक हुई है। ये गर्म है तो अभी इसको मत उठाइए, इसे परफेक्ट रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद ही इसको उठाइए वरना टूट जाएगी। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। बहुत ही अच्छे से बेक होके तैयार हो गई है सिर्फ 15 मिनट में। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये नान खटाई की रेसिपी कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।